जहनवाफी मस्जिद से मुतल्लिक एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वादनी मुकदमा की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने याचिका दाखिल करके अदालत से मांग किया है कि जहनवाफी मस्जिद के सील एरिए की एएसआई सर्वे करवाया जाए। इसके साथ ही पिछले दिनों विष्णु शंकर जैन ने एक चैनल से बात करते हुए इस बात का दावा किया कि जहनवाफी मस्जिद से मुतल्लिक किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं होगी। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होने के बाद जहनवाफी मस्जिद से मुतल्लिक ये विष्णु शंकर जैन का बयान था, जिसके बाद एक स्थिति ऐसी बनी थी जिसमें यह विचार हो रहा था कि क्या कोई बातचीत की बात चल रही है। इस मुतल्लिक हमारी एक लंबी बातचीत एसएम यासीन जो जहनवाफी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इत्तेहादिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी उनसे हुई। एसएम यासीन ने साफ साफ बताया कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन से बात करने आकर जा ही कौन रहा है, जो उनको इस चीज की चिंता है कि वो बात नहीं करना चाहते हैं। साथ ही एसएम यासीन ने इस याचिका का भी स्वागत किया और कहा कि अदालत में हम इसकी पैरवी करेंगे कि उस उक्त एरिए का जो हमारा फव्वारा उसकी जांच करवाई जाए और हमें भी मौका दिया जाए उसको चला करके दिखाने का। एसएम यासीन ने जहनवाफी मस्जिद से मुतल्लिक कई अन्य रहस्यमयी दावे किए। उन्होंने बताया कि सैयद बदरुद्दीन की लिखी हुई किताब तजरकुल मुस्तकीम जो 600 वर्ष पहले फारसी भाषा में लिखी गई थी उसमें भी जहनवाफी मस्जिद का जिक्र है और यह भी जिक्र है कि इसका निर्माण हुमायूं काल से पहले का हुआ था। मुरक्ता बनारस का भी जिक्र जो 1935 की लिखी हुई किताब है उसका भी जिक्र उन्होंने किया। आइए एसएम यासीन का हमारी बातचीत सुने। यासीन साहब, पिछले दिनों विष्णु शंकर जैन का एक बयान आया जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि हम बातचीत कोई नहीं करने वाले जी जहनवाफी मस्जिद के मुतल्लिक, तो आपका क्या नजरिया? हमारी समझ में नहीं आ रहा उनसे बातचीत करने जा ही कौन रहा है। हम लोगों तो कोई बात हुई नहीं, न कभी हुई है, ना आगे कोई संभावना दिख रही है, और किस मसले पे बात करेंगे? हम तो ये कहते आ रहे हैं कि ये लगभग 600 साल से ये मस्जिद है और हुमायूं से पहले की है, ऐसा भी नहीं मुगलिया दौर में, मुगलिया दौर से पहले की, हुमायूं से पहले की मस्जिद है। ये किताब उस बात का सबूत है जो पर्शियन में है, तज़किरतुल मुत्तकीन, इसमें लिखा हुआ है कि ये किसने बनवाई। तो हम कहां बात करने जा रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि एसआई ने एक रिपोर्ट दे दी, उस पर एसआई रिपोर्ट तो रद्दी की टोकरी हम समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक किसके इशारे पर यह रिपोर्ट तैयार की हम नहीं जानते, और ये रिपोर्ट साइंटिफिक नहीं है किसी माने में, किसी मायने में साइंटिफिक नहीं है। भाई फोटो के आधार पे आप किसी की उम्र थोड़ी मुतय्यन कर लेंगे, फोटो के आधार पर एज नहीं मुतय्यन होती। और जिस जमाने में मस्जिद तामीर हुई थी, यहां पे जो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे वो तो यहीं के लोग थे, पत्थर भी यहीं का था, मेटीरियल यहीं के थे, कहां से ले आते? उसका ईरान तुरान से लाते। और ये बात गलत है कि कोई कह रहा है कि हम बात नहीं करेंगे। अरे हम बात करने जा ही कहां रहे उनसे जो बात करेंगे वो? अच्छा, कोई बात ही नहीं आई कि हम बात करेंगे? ना हम आज तक से कोई उनको पास ऑफर गया है, नहीं एक चैनल तो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम किसी तरीके की कोई बात नहीं करने वाले हैं जहनवाफी मस्जिद, नहीं तो कहां हम बात करने जा रहे हैं उनसे? तो क्या विष्णु शंकर जैन का ये सिंपल प्रोपेगेंडा है? उन्होंने तो बहुत से प्रोपेगेंडे किए कि साहब हम जा रहे थे वहां तो हमें 50,000 मुसलमानों ने घेर लिया, हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। आज की तारीख में चौक मैदान से चौक रोड पे 50,000 मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी वाले दिखाई पड़ जाएंगे तो ये तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया हमें 50,000 लोगों ने घेर लिया था। अरे जबरदस्ती की बात है, जाके चौक थाने के वो देख लें, नहीं 50,000 आदमी कभी इकट्ठा हुए? और न जाने क्या हो जाता 50,000 अगर इकट्ठा हो जाए एक जगह, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस पूरी बात ये तो सिर्फ उकसा रहे हैं लोगों को, तरह तरह की बातें कह करके ये सिर्फ उकसा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान उकसावे में नहीं आ रहा है, बहुत खामोश है। और बनारस का सारा मुसलमान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ देख रहा है और उन्हें यकीन है कि जो भी हम काम कदम उठा रहे हैं वो सही दिशा में उठा रहे हैं।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक रिट सूट फाइल हुई है विष्णु शंकर जैन जी के तरफ से कि वो सील एरिया का जो है साइंटिफिक सर्वे एएसआई से करवाना चाहते हैं। हम खुद भी बहुत दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि उसका साइंटिफिक सर्वे उसका भी हो जाए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि वो फौवारा है, और हमें हम भी जब उनकी दरखास्त पड़ी है तो जब डेट पड़ेगी पेशी होगी तो हम ये बात कहेंगे जज साहब से कि साहब हमें भी चालू करने की इजाजत दी जाए। अभी जब मछलियों को सफाई हो रही थी तो पाइप दिखाई पड़ा, वहां मौजूद जो भी अधिकारी थे अंदर हाउस के अंदर, उनसे हमने कहा साहब इसमें हमें पाइप लगाने दिया जाए, कहना भाई इसकी इजाजत नहीं है। तो हम लोगों ने फिर नहीं उनसे प्रेस किया, लेकिन अब कोर्ट में ये मसला गया है कि सर्वे हो जाए बहुत अच्छा है, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, और वो फौरन हमें चालू करने की इजाजत दी जाए, हम चालू करके दिखा देंगे। अच्छा, क्या मस्जिद कमेटी रिपोर्ट का पूरा अध्ययन कर चुकी है? ये अभी पूरा रिपोर्ट नहीं, 840 पेज के रिपोर्ट है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने अपने हिस्टोरियंस को दे दिया है, वकला तक पहुंचा दिया है दिल्ली तक, और वो लोग अध्ययन शुरू कर दिए हैं, और उनके तमाम हमने तकरीबन 5 हिस्टोरियंस को भेज चुके हैं हम कापीज, और वो लोग अपना इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद उसकी अपनी फाइंडिंग वो लोग भी देंगे, और फिर उसके बाद जो है अदालत की चौखट तक ये पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, ये थे एस एम यासीन। इसी तरीके की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाना ना भूले, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने नजरिए दें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।